आज का प्लॉट 15x40 फीट का है और 600 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। अगर इसकी गज में बात करें तो ये 66 गज का ये प्लॉट है। जो इसकी बाकी की डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी, आप एक बार वीडियो को पॉज करके उनको देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी जब भी वीडियो आए नहीं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी हम हमारे हाउस के अंदर एंट्री लेंगे और एंट्री लेते ही आप सामने पार्किंग एरिया में देख सकते हैं, आपको अच्छी खासी पार्किंग मिल जाती है और आप इस पार्किंग में अपनी दो कार आराम से खड़ी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आप इसका ओपन स्पेस देख सकते हैं और ऊपर जो हमने सीलिंग की है आप सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं और आपको स्टेयर के नीचे शू रैक देखने को मिल जाता है। अभी दोस्तों इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाता है हमारे घर का ड्राइंग रूम एरिया, जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर दिया है और आपको इस ड्राइंग रूम के साथ ओटीएस भी अटैच देखने को मिल जाएगा, जो कि आप वीडियो में आ देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है। अभी हम हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हैं स्टेयर के लिए भी आपको अच्छा स्पेस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए तो आप सामने देख सकते हैं आपको हमारे हाउस का फर्स्ट फ्लोर देखने को मिल जाता है। और फर्स्ट फ्लोर पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सोफा लगाया है और आप यहां पर डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। आप इसकी सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं। आप सामने की तरफ देख सकते हैं आपको एक टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा। तो इससे आगे बढ़ते हुए आप हाउस की किचन देख सकते हैं। इसके लिए हमने एक अच्छा स्पेस रखा है। और दोस्तों आपको इस किचन के साइड में एक वॉशिंग एरिया देखने को मिल जाएगा और इसके लिए भी एक आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे हाउस के फ्रंट की तरफ आपको अटैच बालकनी भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप आगे देख रहे हैं।
अगर हम इससे आगे बात करें तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर एक बेडरूम भी देखने को मिल जाएगा और इस बेडरूम की वेंटिलेशन OTS से होगी और इसी के साथ आपको अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है। इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम आ चुके हैं हमारे हाउस के सेकंड फ्लोर एरिया की तरफ। यहाँ पर आपको फैमिली लाउंज एरिया देखने को मिल जाएगा, आप इसकी सीलिंग देख सकते हैं। और दोस्तों आपको सेकंड फ्लोर पर दो बेडरूम देखने को मिल जाएंगे। अभी हम हमारे बेडरूम की तरफ चल रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इस बेडरूम में आपको बेड के साथ सामने टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा। अगर हम इससे आगे बढ़ें तो आपको वॉकिंग क्लोजेट देखने को मिल जाएगी और साइड में आपको अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस रूम का ओवरऑल व्यू लेने के बाद अभी हम आपको लेकर चलते हैं इस रूम की फ्रंट की बालकनी की तरफ। आपको इस बालकनी में अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। तो अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के लास्ट बेडरूम की तरफ, आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों ये बेडरूम भी आपको फर्स्ट फ्लोर की तरह है, सेम ऊपर देखने को मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए OTS और अटैच आपको टॉयलेट देखने को मिल जाता है और इसमें आपको अच्छी वार्डरोब भी देखने को मिल जाएंगी। और हम इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम चलेंगे हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक ममटी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी चाहें यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप फ्रंट में देख सकते हैं हमने यहाँ के स्पेस को देखते हुए यहाँ पर सिटिंग एरिया का अरेंजमेंट किया है। और दोस्तों अगर हम इससे आगे देखें तो आपको सामने हमारे हाउस की ममटी देखने को मिल जाएगी और ममटी के जो डोर रहेंगे वो आपको क्रॉस देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो आपको बैक साइड में एक अच्छा सिटिंग स्पेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक अच्छा ग्रीन एरिया भी देखने को मिल जाएगा। आप इस जगह को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ अभी हम हमारी वीडियो को समाप्त करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि अच्छे कॉन्टेंट आपको यहीं मिलेंगे। नमस्कार।